Hi people, welcome back to my channel. This is Khushi here. Welcome to my YouTube channel, guys. इसके अंदर मैं यहाँ पे Flipkart related, customer support related, voice and non-voice interview tips and tricks, career के बारे में यहाँ पे मैं अपने channel पे videos बनाती रहती हूँ. अगर आप interested हैं, connected रहना चाहते हैं, तो do subscribe to my channel and support कीजिएगा ऐसे ही, ठीक है? तो कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. जैसे कि टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ. बेसिकली बेसिक जो जॉब ज्वाइन होने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले जो क्वेश्चन हमारे यू नो माइंड में होते हैं ना, वो एजम्पशंस पूरा यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ. काफी सारे लोग ना ऐसे ही कुछ जॉब पोस्टिंग देखते हैं, उसके बाद माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. कोई नहीं होता उनको वहां पे रिप्लाई देने के लिए, यू नो एक्सप्लेन करने के लिए, एंड वो प्रोफाइल करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक जो भी डिटेल्स, जो भी डाउट्स होते हैं ना, तो वो क्लियर करने वाली हूँ गाइस. जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल है फ्लिपकार्ट रिलेटेड से ही, यहाँ पे मैं लेती हूँ वॉइस एंड नॉन वॉइस, कौन सी भी है, ठीक है? नॉन वॉइस होती है तो चैट एंड ईमेल आती है, वॉइस होता है तो आपको कॉलिंग करनी पड़ती है, ठीक है? इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो कस्टमर्स आपको करते, इफ नॉट आप कस्टमर्स को कॉल करने वाले हो, ठीक है? तो फर्स्ट इज लाइक, क्या ये जॉब लैपटॉप से ही करना पड़ेगा? मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या ये फोन से चलेगा क्या? तो गाइस नहीं, गाइस फोन से नहीं चलेगा. फोन से सिर्फ आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, दैट्स इट. एक दिन के लिए यहाँ पे मीट ज्वाइन कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आप फोन के साथ हैंडल नहीं कर सकते. यू नीड अ लैपटॉप, प्रॉपर लैपटॉप विथ अ कंपनी के कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है लैपटॉप के, वो मीट करनी चाहिए तभी जाके आपको यहाँ पे जॉब मिलती है. लैपटॉप इफ नॉट डेस्कटॉप, ये दो में से एक होने से भी चलेगा, ठीक है? तो दूसरा होती है कि क्या ये डेटा पैक से चल सकता है क्या? यहाँ पे पूछते हैं कि डेटा पैक होनी चाहिए, दैट टू इतनी यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, लाइक 40 Mbps इफ नॉट 60 Mbps, ठीक है? तो क्या ये डेटा पैक से हम यहाँ पे चला सकते हैं क्या? तो गाइस डेटा पैक से सिर्फ आप दो दिन, स्टार्टिंग के दो दिन ही यहाँ पे चला सकते हो, उसके बाद जाके यहाँ पे नहीं चला सकते, ठीक है? इसके लिए आपको वाईफाई रहना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, ट्रेनिंग डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं आपका, ठीक है? अगर स्टार्टिंग में आप झूठ भी बोल लेते हो कि दैट आई हैव अ वाईफाई कनेक्शन, कुछ इस टाइप का है, उस टाइप का है, बट वहां पे आप पकड़े जाओगे, ठीक है? वो बहुत ही यू नो बैड रिमार्केबल जैसा आपके ऊपर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है? तो वो आपको नहीं करना है. यहाँ पे लैपटॉप होनी चाहिए एंड एज वेल एज यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन होनी चाहिए, दैट्स मैंडेटरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब एज वेल, ठीक है? सो द नेक्स्ट डाउट इज लाइक, यहाँ पे ना लैपटॉप के साथ काम करना पड़ेगा, बट मुझे लैपटॉप के कुछ यहाँ पे उतना ज्यादा मैं फ्लुएंसी नहीं हूँ, लैपटॉप चलाना मुझे प्रॉपर तरीके में नहीं आता, सिर्फ ओपन करना आता है, क्लोज करना आता है, यूट्यूब देखना आता है, सिर्फ यही आता है. कि इसके लिए कुछ यू नो एक्स्ट्रा हमको सीखना पड़ेगा क्या? नहीं गाइस, बहुत ही सिंपल है ये जॉब, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे ट्रेनर डे वन से सिखाया जाता है कि क्या ऑप्शन होती है वहां पे, आपको क्या दबाना पड़ता है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लैपटॉप की. जैसे कि ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं एंड उसके बाद जाके इंटरनेट यू नो कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटरनेट वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, लॉग इन करते हैं आपकी ईमेल, उसके साथ वहां पे गूगल मीट ज्वाइन करते हैं. ये बेसिक चीजें अगर आपको आती है तो यू कैन डू द जॉब, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन. यहाँ पे कोई टेक्निकल साइड से कुछ नॉलेज होनी चाहिए क्या खुशी? क्योंकि मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई टेक्निकल साइड नॉलेज नहीं है. क्या यहाँ पे इस जॉब के लिए पर्टिकुलर कोडिंग ऐसे कुछ सीखना होता है क्या? काफी सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे, स्पेशली यहाँ पे मैरिड वुमेन है एंड एज वेल एज यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है? तो वो लोग यहाँ पे मुझे पूछ रहे थे. तो यहाँ पे आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? इतना ज्यादा यू नो प्रो लेवल का नहीं है, जस्ट ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का एक रोल है, दैट टू वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है. तो आपको यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, टेक्निकल से रिलेटेड भी आपको कुछ भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली वॉइस है. जो बात करना आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो अगर होता है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा. इट डजंट लिंक विथ इंजीनियरिंग हो आप, यू नो ये डिग्री ए किया हो आप, इंजीनियरिंग किया हो आप, एमबीए किया हो, डजंट मैटर. यहाँ पे उनको कोई बेसिक डिसेंट डिग्री चाहिए, ठीक है? वो होने से चलेगा. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज लाइक, यहाँ पे मुझे इंग्लिश उतना ज्यादा बात करना नहीं आता है क्या? या मैथ्स यहाँ पे इंग्लिश ट्रेनर ट्रेनिंग जो भी यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, कौन सी लैंग्वेज में होती है खुशी ये भी बता देना. तो गाइस यहाँ पे ना इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन लेवल स्किल्स चेक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है? ट्रेनिंग में इंग्लिश का लैंग्वेज उतना ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते, मैथ्स लोग होते हैं कि हिंदी में ही हो जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग पूरा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करते हैं ना वो जो प्रोसेस होता है, तो वो पूरा आपको हिंदी में ही सिखाया जाएगा.
उसके बाद जाके कभी कभार इंग्लिश क्लास होता है तो इंग्लिश क्लास यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं बोलते, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही गो थ्रू करना पड़ेगा। जो भी इंग्लिश के लैंग्वेज के क्लासेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 or 2 स्पोकन इंग्लिश क्लास टाइप, की आपको कॉल कैसे करनी है, अगर इंग्लिश में कस्टमर बात कर देते हैं तो कैसे आपको बात करनी है, क्या क्या है, ये पूरा सिखाया जाता है इनिशियली 1 to 3 days ट्रेनिंग में, ठीक है। तो वो हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा, वहां पे आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, ठीक है, ट्रेनिंग में 80% हिंदी, 20% इंग्लिश होता है, ठीक है। कमिंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस, यहाँ पे हिंदी आपको आनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ये भी पूछते मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे मैनेजेबल हिंदी आता है क्या, उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता हूँ, सेलेक्ट हो सकती हूँ। तो यहाँ पे मैनेजेबल हिंदी भी चलेगा, ठीक है, एज वेल एज मैनेजेबल इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है। बट आपको सेंटेंस फ्रेम करना आनी चाहिए, अच्छा बात करना आनी चाहिए, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी लॉन्ग पॉजेस, ठीक है। ये आपके वहां पे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेते हो तो यू गोना गो एंड डू द जॉब, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। तो यहाँ पे हमने जॉब ज्वाइन कर लिया है, ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है, बट उसके बाद जाके हमको उतना अच्छा नहीं लगा वर्क एनवायरमेंट, कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पे है, बहुत ही ज्यादा इंट्रैक्शन जैसा यहाँ पे फील हो रहा है, इंग्लिश में बात चल रहा है, हिंदी में बात चल रहा है, मुझे वो जो यू नो डैशबोर्ड होता है ना उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं यहाँ पे जॉब इन मिडिल यहाँ पे मैं जॉब छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, उसके बाद मेरे पैसे मिलेंगे क्या। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक यू नो सिस्टम होती है कंपनी की, ठीक है। जब आप पूरा साइन करते हो बॉन्ड एग्रीमेंट, इफ नॉट एक्सेप्टेंस का लेटर आपके साथ साइन करवाया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो पूरा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। वो पूरा आप साइन कर देते हो तो यू आर एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इन बिटवीन छोड़ देते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी स्टाइफंड जो भी उसका पैसा होता है ना, अगर आपने 15 दिन के लिए यहाँ पे काम किया हो, ट्रेनिंग में कुछ सीखा हो, उसके बाद आपके साथ नहीं हुआ है, छोड़ दिए वहां पे, तो कुछ नहीं हो सकता वहां पे, ठीक है। 15 दिन का पूरा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, जो भी आपने यहाँ पे चलाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इफ नॉट वाईफाई का जो भी है, वो पूरा आपका ही वेस्ट जाने वाला है, कंपनी के साइड से कुछ भी नुकसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग आते ही रहते जाते ही रहते, उनको क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो आपको पड़ेगा वाला है गाइस, क्योंकि और ज्यादा मेहनत करके और 15 दिन आप टिके रहते हो ना, तो आपको यहाँ पे सैलरी उसके साथ ही साथ स्टाइफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मिस्टेक मत करना, बीच में छोड़ देते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वही रही बात सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद अगर आप यू नो छोड़ देते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा होगा, सो दैट यू कैन रिसीव योर सैलरी, सो दैट यू कैन रिसीव योर स्टाइफंड, उसके बाद आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक सेम इसी में ही रिलेट करती है, कि सर्टिफिकेशन क्लियर होने के बाद ही हमको यहाँ पे सैलरी मिलेगी क्या। अगर उस फेस में हम क्लियर नहीं करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहाँ पे फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अभी यहाँ पे यू नो पास आउट होके आई थी, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है जॉब का, ठीक है। तो गाइज इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग का जो भी डेज होते हैं ना, 30 days यहाँ पे लिया जाता है, सो दैट दे मेक श्योर करे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पूरा क्लियरली समझाए इन 30 days में। कभी कभार यहाँ पे डिफर भी होता रहता है बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर, कुछ ज्यादा यहाँ पे ओपनिंग्स है तो आपको जल्दी निपटा लेते हैं विद इन 20 days के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो 20 days भी होता है, 30 चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट यहाँ पे सर्टिफिकेशन क्लियर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है, ये क्लियर करने से आपका यहाँ पे स्टाइफंड सैलरी जो भी आप एम्प्लॉय कहलाते हो, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप ज्वाइन होते हो तो आपको माइंड में यही होना चाहिए, नो आई हैव टू क्लियर द सर्टिफिकेशन, आई हैव टू टेक माई सैलरी, आई हैव टू टेक माई स्टाइफंड एज वेल, यही आपको माइंड में होनी चाहिए, जितना भी मुश्किल हो। बट कौन सी जॉब पे भी अगर आप जाते हो तो मुश्किल ही होता है, ठीक है, आपके लिए आसान जॉब कुछ भी नहीं है आजकल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज लाइक, यहाँ पे क्या कॉलिंग के लिए हमारा नंबर वहां पे डिस्प्ले होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ बता देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है गाइस। तो देखो यहाँ पे हम कस्टमर को कॉल करते रहते, कस्टमर सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एयरटेल हो गया है, कोई दूसरा हो गया, हमको कुछ कंप्लेंट आ गया है, तो वहां पे इफ नॉट हमको कॉल आता है ना एयरटेल के कंपनी के थ्रू से, तो वहां पे कौन सी नंबर डिस्प्ले होती है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक सो 1144000 कुछ इस टाइप में नंबर डिस्प्ले होता है, ठीक है। बट वहां पे जब आप कॉल पिकअप करते हैं ना, कोई एग्जीक्यूटिव बात करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव का ही नंबर है वहां पे, नहीं, वो एग्जीक्यूटिव का नंबर से ही कॉल आता है, बट कंपनी वहां उनका नेम हटा के कंपनी का जो भी कुछ वहां पे नेम डिस्प्ले कर देता है, यहाँ पे आपका नंबर डिस्प्ले नहीं होता है,
किसी को पता नहीं चलता कि पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर सिम है, पर्टिकुलर नंबर है, इसी के साथ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। कुछ वहां पे एक फेक नंबर आ जाती है, वो पूरा उनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर वहां पे नेम नंबर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, कंपनी का नाम एंड कंपनी का नंबर डिस्प्ले होता है वही, ठीक है। उसी से ही आपको कॉल करनी होती है, उसी से ही यहाँ पे होता है, बट सोर्स होता है कि आपका फोन होनी चाहिए, आपकी सिम होनी चाहिए, आपकी नंबर होनी चाहिए, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। काफी ज्यादा डाउट्स है जो भी बेसिक होते हैं ना बिफोर ज्वाइनिंग, इफ नॉट बिफोर गिविंग टू द इंटरव्यू, और भी ज्यादा है कवर करने वाली, बट बहुत ही ज्यादा हो गया है वीडियो, तो पार्ट टू होता है तो पार्ट टू के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। लाइक सैलरी के बारे में भी मैं यहाँ पे नहीं बताई थी कि बेसिक सैलरी कितनी है, कटिंग्स डिडक्शन पूरा होने के बाद हाथ में कितना आएगा, एंड उसके बाद जाके वर्क कैसा होने वाला है, टारगेट्स कैसे होती है, बेसिक अगर आइडिया होता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, अगर आपके साथ होता है तो आप वहां पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो, इफ नॉट नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा यू नो रोड मैप है मैं देना चाहती हूँ, अगर कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के लिए आप जाते हो तो ऐसे होती है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट वन हो गया है, पार्ट टू बनाने वाली हूँ, ठीक है, उसके लिए भी स्टे ट्यून करिएगा। ऐसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।